हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई स्टडीज। आशा करछि समस्त भलरे थिबो ओ एंट्रेंस एग्जाम पे प्रिपरेशन जोरसोरे चलाइथिबो। आजिरो ईवीएस क्लास रे आमे प्रैक्टिस सेट 2 करबा। तमरो काली ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट हि जेछि, जोटा कि तमरो यूनिट 1 रो फर्स्ट बिट जोटा किला तमरो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कंप्लीट हि जेछि। तारो जते सब इंपोर्टेंट एमसीक्यूज थिला। आजि तमरो सेकंड बिट तमरो कोन थिला ना गवर्नमेंट स्टेट एंड सेंटर, त रिगार्डिंग एमसीक्यू डिस्कशन करबा। ओके, आगरो तमरो जति कि सब क्लासेस कंप्लीट हि जेछि सोडा को सब प्लेलिस्ट तमनकु मिल जिवो। तो चलो देर न करकी आजिरो क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट करबा। आजिरो फर्स्ट क्वेश्चन कोन छि देखो, फर्स्ट क्वेश्चन कोन छि, क्वेश्चन नंबर 1, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द, कहारो एडवाइस रे माने कोन, राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्ति करथांती। तो तार करेक्ट आंसर कोन हि जेबो ना, प्राइम मिनिस्टर। सो क्वेश्चन नंबर 1 रो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन छि देखो, द प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू द, माने जो तंकर प्रेसिडेंट तंकर रेजिग्नेशन काको देथंती ना, वाइस प्रेसिडेंट। सो क्वेश्चन नंबर 2 रो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन छ देखो, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर व्हाट पीरियड डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस, माने जो कोन पजा छि वाइस प्रेसिडेंट पर ऑफ इंडिया रो तंकर कार्यकाल केते वर्ष थे। तो तार करेक्ट आंसर कोन हि जेबो ना, 5 इयर्स। सो क्वेश्चन नंबर 3 रो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देखो, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो तार करेक्ट आंसर कौन हिजबो, क्वेश्चन नंबर 4 रो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, गवर्नर। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देखो, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कौन अच्छी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ एंडोलमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कर जो तो तुम तीन टाइम चार्टा देखिए ऑप्शन से गुड़ा भितर कौटा करेक्ट आंसर हम ना, क्वेश्चन नंबर 5 रो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देखो, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द लोकसभा एंड राज्यसभा इज। तो देखो तुम टोटल राज्यसभा 245 मेंबर्स भितर 12 जन को राष्ट्रपति मनोनीत करथांती, आउ लोकसभा माने केते 545 रु तुम 2 जन को मनोनीत करथांती राष्ट्रपति। तो टोटल केते जन हेले ना, 14 जन। सो लोकसभा एंड राज्यसभा पचारछि, तो टोटल केते गला 12 + 2 = 14। सो क्वेश्चन नंबर 6 रो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी, क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रे फर्स्ट समस्त जान को माने भाग नहीं थांती ना, तुम्हारे लोकसभा रो मेंबर सब राज्यसभा रो आउ तुम्हारे कौन ना लेजिस्लेटिव असेंबली रो, बट तुम्हारे लेजिस्लेटिव काउंसिल रो मेंबर माने पार्टिसिपेट कर न थांती। सो क्वेश्चन नंबर 7 रो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देखो, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन पार्लियामेंटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैन रिमेन्स इन ऑफिस टिल इट्स एंजॉय द सपोर्ट ऑफ। तो कहार सपोर्ट थिला पजंत तो माने माने पार्लियामेंट रे निजरो माने गवर्नमेंट रहइबो ना तमरो कोन ना, तर करेक्ट आंसर कोन हि जेबो ना, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ लॉयर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो लॉयर हाउस कोटा को कहि थै तमरो लोकसभा को समस्त जानि छ। सो क्वेश्चन नंबर 8 रो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन छ देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट ता करन थांती, तो तार करेक्ट आंसर कोन हि जेबो ना, स्पीकर ऑफ लोकसभा। सो क्वेश्चन नंबर 9 रो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, समस्त मते कमेंट सेक्शन रे लिखि कि जानिबो स्पीकर ऑफ लोकसभा कर ताको जो इलेक्टेड हे थांती से केमति के करा हे थै। ओके, इन शॉर्ट रे लिखिबो कमेंट सेक्शन रे। क्लियर, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन छ देखो, क्वेश्चन नंबर 10, हु अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट के दे थांती ना प्रेसिडेंट। सो क्वेश्चन नंबर 10 रो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन छ देखो, द फर्स्ट
वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट इन फ्री इंडिया इज, तो किए थे प्रथम तुम्हार गवर्नर मैंने राज्यपाल किए थे ना सरोजिनी नायडू, कौथर थे यूपी रे। सो क्वेश्चन नंबर 11 रो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देख, मिनिमम एज रिक्वायर टू कंटेस्ट फॉर द प्रेसिडेंटशिप इज, प्रेसिडेंट हबा पई मिनिमम केते वर्ष आयु थिबार छि ना 35 वर्ष। सो क्वेश्चन नंबर 12 रो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन छ देखो, द चार्ज ऑफ इंपीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज रिमूवल कैन बी प्रिफर्ड बाय, तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजबो ना बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इधर तुम्हारा लोकसभा रु हे पारे बा राज्यसभा रु भी। सो क्वेश्चन नंबर 13 रो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन छ देखो, द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए यूनियन टेरिटोरी व्हेयर सच ए सेटअप एग्जिस्ट इज अपॉइंटेड बाय, अपॉइंटेड के अपॉइंटेड करथांती ना लेफ्टिनेंट गवर्नर। सो क्वेश्चन नंबर 14 रो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देखो, क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया रो प्रथम प्रधानमंत्री किए थे ना जवाहरलाल नेहरू। सो क्वेश्चन नंबर 15 रो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देखो, इन केस ए प्रेसिडेंट डाइज व्हाइल इन ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ, धर जाओ तुम कौन सी कारणवशत प्रेसिडेंट कर मृत्यु होगा तो से वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट पद टा को दिन मैक्सिमम माने रही पारे, तार करेक्ट आंसर कौन हो ना 6 months। सो क्वेश्चन नंबर 16 रो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देखो, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ, तो तार करेक्ट आंसर कौन हम कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। सो क्वेश्चन नंबर 17 रो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देखो, हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर ही एंटर अपॉन द ऑफिस, तो क्वेश्चन नंबर 18 रो करेक्ट आंसर हे गला ऑप्शन नंबर ए चीफ जस्टिस। सो क्वेश्चन नंबर 18 रो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देखो, हु अमंग द फॉलोइंग एंजॉय द रैंक ऑफ ए कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द इंडियन यूनियन, सो क्वेश्चन नंबर 19 रो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। ओके नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कौन अच्छे देखो, ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ, केते मास पई से जदी माने कोना पार्लियामेंट रो मेंबर भी न थांते तबे तांको माने मिनिस्टर से दिया जीवो ना मैक्सिमम 6 मंथ पर्यंत विद इन सेति के भीतर तांको कोनसी गोटे जगा रो कोना मिनिस्टर माने जो कोना मेंबर हबार अछि, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हबार अछि। ओके सो क्वेश्चन नंबर 20 रो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो, When can a president use his discretion in appointing the president? तो तार करेक्ट आंसर कौन हम क्वेश्चन नंबर 21 When no political party enjoy a clear majority in the Lok Sabha, सेतबेले करना तमन करना जेतबेले तंकर प्रेसिडेंट तंकर स्पेशल पावर कर यूज कर के प्राइम मिनिस्टर यूज करबार तंकर कैपेसिटी अछि। सो क्वेश्चन नंबर 21 रो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 कौन दे देखो, इफ इन ए कंट्री देयर हैपेंस टू बी द ऑफिस ऑफ द मोनार्की एज वेल एज द पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिस मोनार्की विल बी कॉल्ड एज, तो तार करेक्ट आंसर कौन हिजबो क्वेश्चन नंबर 22 रो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, हेड ऑफ द स्टेट। ओके नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कौन अच्छी देख, ऑन फीचर डिस्टिंग्विशिंग द राज्यसभा फ्रॉम द विधान परिषद इज, कौथिरे तुमर राज्यसभा आउ विधान परिषद डिस्टिंग्विश अटे, तो तार करेक्ट आंसर कौन जीवन ना पावर ऑफ इंपीचमेंट। सो क्वेश्चन नंबर 23 रो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी देखो, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स आर द एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ द, तो तार करेक्ट आंसर कौन हम क्वेश्चन नंबर 24 रो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, इंटर स्टेट काउंसिल। ओके नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कौन दीजिए देखो, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द फाइनल राइट टू सैंक्शन द एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक मनी इन इंडिया, तो फाइनल तुम्हारा राइट कहाँ रहता है ना प्रेसिडेंट करो, सो क्वेश्चन नंबर 25 रो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट एज ए गवर्नर, गवर्नमेंट गवर्नर अपॉइंटमेंट पे कोटा गोटे एसेंशियल क्वालिफिकेशन नुहे बोली पचार छी, फर्स्ट ऑप्शन कौन दीजिए देखो, ही मस्ट नॉट बी ए मेंबर ऑफ इधर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इट इज ए एसेंशियल क्वालिफिकेशन नॉट पचार छी, सो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट है वाला। नेक्स्ट कौन दीजिए देखो, ही शुड बी ए डोमिसाइल ऑफ द स्टेट, ही शुड बी ए डोमिसाइल ऑफ द स्टेट टू व्हिच ही इज बिलोंगिंग टू अपॉइंटेड, तो देखो राज्यपाल केबे भी सही राज्यर केबे से निवासी होइना थांती, सो नॉट पचारी छी, सो क्वेश्चन नंबर 26 रो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी उडा देखो, ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एना तो तार एसेंशियल क्वालिफिकेशन नॉट पचारी छी तो कैंसिल हो गला, ही मस्ट बी कंप्लीटेड 35 मिनिमम एज हेथिबार अछि, सो ऑप्शन नंबर डी भी इनकरेक्ट हो गला। ओके नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि, क्वेश्चन नंबर 27, द प्रेसिडेंट nominates 12 member of the Rajya Sabha according to kaha accordingly kar thanti na their distinction in the field of science arts and literature and social service, so question number 27 ro option number d will be the correct answer. Now moving to next question, next question kon ache dekho, who can initiate impeachment proceeding against the president of india, president of india ko against re tamaro impeachment ko through hoi paribo either house ro either tamaro lok sabha ro hoi paribo ba rajya sabha ro bhi hoi paribo, so question number 29 ro option number a will be the correct answer. Okay now moving to next question, next question kon achi ajiro last question, question number 30, who was the member of rajya sabha when author, who was the member of rajya sabha when first appointed as a prime minister of india, to dekho tamro kon hale na किए जने थिले जे कि राज्यसभा रो लोक थिले फिर भी तांको प्राइम मिनिस्टर हिसाब रे अपॉइंट करा हितला, तो तार करेक्ट आंसर कोनी जीवो ना इंदिरा गांधी, सो क्वेश्चन नंबर 30 रो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके एटी तमरो 30टा क्वेश्चन डिस्कशन हला, समस्ते याकु ए जे मॉक टेस्ट हिसाब रे नेकी आउट ऑफ 30 तमरो केते मार्क्स रहला समस्ते मते कमेंट सेक्शन रे लेखी कि जानिबो, यार पीडीएफ टा मु तमनकु टेलीग्राम ग्रुप रे दे देबी, आशा करछि आजर क्लास टी समस्तनकु भल लागथिबो ओ हेल्पफुल मध्ये रहितिबो, तेबे निश्चय चैनल कु सब्सक्राइब करिवो ओ सांगमानक सहित शेयर करबा सहित लाइक टी मध्ये करिवो, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।